हाय वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का। हम कुछ ड्राई आइटम बना रहे हैं जो बहुत मज़े का लगता है। हम इसको 2 घंटे पहले सोख करके मैंने रख दी हूँ। देखो चने की दाल को ये ऐसे हो गई है। अब इसको हम थोड़ा बॉईल करेंगे, इतना बॉईल करेंगे कि दाल गल भी जाना चाहिए और यानी मिक्स फूटना नहीं चाहिए। दाल ऐसे गलना चाहिए। पहले हम बॉईल करके बताते हैं, उसके बाद क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखो मैं इसको पॉट में डाल रही हूँ, हम कुकर में नहीं डालेंगे इसको। तब पहले मैं हम इसको बॉईल करेंगे, क्योंकि कुकर में डाल देंगे तो हमको पता नहीं चलेगा। अगर हम एक भी सीटी बजाएंगे और जगह अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो गई तो हमको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए। दाल अच्छी अच्छी दिखना चाहिए। और ये डिश आप शाम के टाइम खा सकते हैं ना, रोज़ रमज़ान शरीफ में बना सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है दाल। और चने की दाल बॉईल हो चुकी है, थोड़ी ठंडी कर लेना है हमको। और ये देखो मैं आपको बताती हूँ ये कितनी अच्छी गली हुई है। देखें ना, मैंने अपने हाथ धो चुकी हूँ इसलिए मैं अपने हाथ डाल रही हूँ अंदर। और ये देखो है ना, यानी दाल गली हुई भी है और अच्छी भी है। हमको ऐसी दाल चाहिए। अगर हम कुकर में डाल देंगे तो, और पानी भी उसका सूख गया है, हमको अंदाजे से इतना पानी रखना है कि उसका पानी उसी में सूख जाए। और हमने थोड़ा नमक भी इसमें डाल चुके हैं। अभी आपको मैं कैसा बनाना ही बताती। बहुत अच्छी लगती है, बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छी। मैं इसमें अब इसमें हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। चॉप कोरिएंडर चाहिए, ये चाट मसाला है हमारा हाफ वन, मैंने 250 ग्राम्स दाल सोक करी थी तो मैंने 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला ली हूँ। आमचूर पाउडर ली हूँ 1 टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट ली हूँ 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट ली हूँ 1 टीस्पून, और 2 टीस्पून मैंने भर के ही रेड चिली पाउडर ली हूँ। और लेमन जूस आपको अपने हिसाब से डालना है, क्योंकि आमचूर पाउडर और चाट मसाला दोनों खट्टा है तो हमारे तो खट्टा ज़्यादा खाते हैं, इसके लिए मैं डालूँगी। अगर आप लोगों के इधर नहीं खाते तो थोड़ी ये कमी कम कर देने का है, चाट मसाला और आमचूर पाउडर, और आपको फिर लेमन जूस डालना है। और ऑयल भी हमको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 4 टेबल स्पून, ये भी इतनी दाल के लिए 4 टेबल स्पून ऑयल। ये दाल ऑयल जब हमारा गरम हो जाएगा इसके बाद हम आपको बता दें क्या करना है। जब हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छा हम भुनेंगे, भुनाफाई अच्छे से करेंगे। अच्छे से गोल्डन कर लिए, अब इसके हम बॉइल दाल डालेंगे। बॉइल दाल डालकर हम इसके अंदर सारे मसाले डाल देंगे। ये रमज़ान में भी और ऐसा शाम के वक्त हमको खाने के लिए बहुत अच्छी लगती है दाल। ये देखो अब इसके अंदर हम दिल से रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट सब डाल के हम अच्छे से इसको स्टर करेंगे। दिख रही कितनी अच्छी है ना, टेस्टी भी बहुत होती है दाल। ये देखो इसको अच्छे से हमको फ्राई करना है। तेल भी कितना बराबर हो चुका है हमारा, तेल भी ज़रा भी ज़्यादा नहीं है। हमारी दाल हो रही है फ्राई। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। इंशाल्लाह रहमान आपको नई नई रेसिपीज मिलती रहेंगी। और मुझे इसी दाल बनाकर अपने कमेंट्स में बताइए कि कैसी बनी थी। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है। और मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो बेल लाइक बटन को प्रेस कीजिए। थोड़ा सा तेल कम पड़ गया था मेरे को ऐसा लग रहा था, तो मैंने बीच में से थोड़ा ये ऐसा हटाकर थोड़ा तेल डालकर मैंने गरम कर लिया। ये देखो अब इसके अंदर हम डालेंगे चॉप्ड कोरिएंडर और इसके अंदर हम डालेंगे लेमन जूस। गैस ऑफ कर देंगे और फिर इसके बाद हम ये सब डालेंगे। ये देखो हमारी दाल बन चुकी है। मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी हूँ और ये देखो मेरी डिश हो गई है रेडी। अल्लाह हाफिज़।
ये देखो मैं प्लेटिंग कर रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ कितने अच्छे से हो गया ये रेडी। अब ये शाम के टाइम हमको खाने के लिए दाल हो गई है रेडी। अभी सर्व करने के लिए हमारी दाल हो गई रेडी। आप लोग ज़रूर बनाना और मुझे बताना। अल्लाह हाफिज़।